गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मनीष। एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड 19 पेंडेमिक। सीबीआईसी ने दो सर्कुलर इशू किए हैं आज, देखते हैं क्या है। मैं ऑलरेडी सीबीआईसी के वेबसाइट पे हूँ सर्कुलर सेक्शन में। तो ये फर्स्ट टू नोटिफिकेशन आज का है 10 जून। एक तो लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, उसके लिए है, और दूसरा है क्लैरिफिकेशन ऑन रिफंड रिलेटेड इश्यूज। तो ये दो सर्कुलर्स है। फर्स्ट देखते हैं डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का। तो ये नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 140। एंड देखिए, तो बेसिकली इन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए उन्होंने फर्स्ट तो डायरेक्टर्स को कैटेगराइज किया है कि वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है या फिर एम्प्लॉय नहीं है, और उनके बेसिस पे डिसाइड किया है कि उनको जीएसटी चार्ज करना है और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे कि नहीं करना है। दो कैटेगरी में इन्होंने डाला इसको कि जो एम्प्लॉय है कंपनी के और वो डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉय नहीं है। फर्स्ट जो एम्प्लॉय है कंपनी के, तो उसके लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो इन्होंने ऐसा डेफिनेशन को भी रेफर किया है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो होल टाइम डायरेक्टर है, उसका डेफिनेशन कंपनी एक्ट के अंदर इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है मीन्स कि आप यहाँ पे देखेंगे ए में पॉइंट ए 4.1.a के अंदर द डेफिनेशन ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर अंडर सेक्शन 294 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट सेज दैट मे बी ए पर्सन, मीन्स होल टाइम डायरेक्टर मे बी ए पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स दैट मे बी ही मे बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ही मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो दिस इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। सो होल टाइम डायरेक्टर इज नॉट स्पेसिफिकली कैटेगराइज, और इट्स टू बी सेड दैट इट विल बी पेड जीएसटी टू बी चार्ज ऑन दिस रेम्यूनरेशन। And the second definition is of the independent director, which clearly says under section 196, so to be and the independent director, such director should not have been an employee or proprietor or a partner of the said company in any of the three financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed in the said company. So जो होल टाइम डायरेक्टर है उसका डेफिनेशन, होल टाइम डायरेक्टर होने का डेफिनेशन इंक्लूसिव है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा उसमें 149(6) के अंदर ही प्रोविजन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही हो सकता है जो अपॉइंटमेंट जिस भी दिन उनका हो रहा है, जिस भी ईयर में हो रहा है, उसके प्रीवियस थ्री ईयर्स, इमीडिएट प्रीवियस थ्री ईयर्स वो कंपनी से कैसे भी रिलेट नहीं करते हो, ना तो वो एम्प्लॉय हो कंपनी के, ना तो प्रोप्राइटर, पार्टनर या किसी भी तरह से वो रिलेट हो। उसके और भी बहुत सारे प्रोविजंस है 149(6) के अंदर, ये सब क्रिटेरिया होते हैं फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं कंपनी में। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो तो एम्प्लॉय हुए नहीं, तो जीएसटी जो चार्ज करना है वो है, देखिए तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर वो डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, उनके डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जीएसटी चार्ज करेंगे, और वो जीएसटी जो चार्ज होगा वो जीएसटी चार्ज करने की लायबिलिटी कंपनी की बनेगी। वो डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा और वो डायरेक्टर बिल इशू नहीं करेगा जीएसटी डाल के। तो जो कंपनी है, जिस भी कंपनी में वो डायरेक्टर है, वो कंपनी रिवर्स चार्ज बेसिस पे उनके रेम्यूनरेशन पे जीएसटी चार्ज करेगी और गवर्नमेंट को वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे करेगी। तो ये था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, एंड दोज डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द
कंपनी। एंड द सेकेंड कैटेगरी वॉज The liability of the GST on remuneration paid by the company to the director who are also an employee of the said company. तो जो director है वो company के employee भी है, तो फिर वो cases में कैसे decide करेंगे कि GST charge करना है कि GST या फिर GST charge नहीं करना है। तो first thing यहाँ पे कि वो employer-employee relationship को देखेंगे कि actually क्या है, उनका contract क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है फिर तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, यहाँ पे लिखा है एग्जामिन विदर ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डायरेक्टर आर इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, देन उन्होंने सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो एक प्रोफेशनल सर्विस हो सकता है। तो इट हैज़ बीन डिलिबरेटेड बाय द वेरियस कोर्ट एंड हैज़ बीन हेल्ड दैट द डायरेक्टर हु हैज़ ऑल्सो टेकन एन एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी मे बी फंक्शनिंग इन द डुअल कैपेसिटी। तो हो सकता है कि एक जो पर्सन है वो डुअल कैपेसिटी में कंपनी में काम कर सकते हैं, एज ए एम्प्लॉय भी और एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी भी। तो अगर उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है फिर वो केसेस में जीएसटी नहीं होएगा। अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ही उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। और एक दूसरा प्रोविज़न इनकम टैक्स के अंदर भी है कि जो एम्प्लॉय नहीं है डायरेक्टर कंपनी के और उनको जो कंपनी है वो सैलरी के हेड में उसका रेम्यूनरेशन नहीं दिखाते हैं, वो प्रोफेशनल फीस के अंदर दिखाते हैं कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी डायरेक्टर है वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी को। तो उन केसेस में वो डायरेक्टर पे इनकम टैक्स के अंदर TDS भी कटता है 149J के अंदर प्रोफेशनल फीस बोल के। तो अगर डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे प्रोफेशनल फीस डिडक्ट होता है फिर उस केस में GST भी चार्ज करना पड़ेगा वो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे, क्योंकि वो वहाँ पे क्लियरली कैटेगराइज होता है कि वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर उस केस में GST चार्ज करना पड़ेगा और वो GST लाइबिलिटी रहेगी पे करने की कंपनी की रिवर्स चार्ज बेसिस पे। तो ये था प्रोविज़न डायरेक्टर रेम्यूनेशन के लिए। तो सिंपली है इसमें बाइफर्केट ये किया है कि डायरेक्टर पे GST है बट डायरेक्टर अगर एज ए एम्प्लॉय है तो फिर उस पर GST नहीं आएगा, बट डायरेक्टर अगर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है फिर उस केस में उस पर GST चार्ज करना पड़ेगा। जिसमें है एक पर्टिकुलरली कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो सकते तो उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर GST चार्ज होएगा ही, कंपनी रिवर्स चार्ज बेसिस पे GST चार्ज करेगी। फिर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में फिर देखेंगे कि वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो फिर वो प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है तो वो एम्प्लॉय हुए। तो अगर एम्प्लॉय है तो GST चार्ज नहीं करेगी, अगर एम्प्लॉय नहीं है वो सर्विसेज दे रहे हैं फिर उस पर GST चार्ज करना पड़ेगा। और एक और भी है बेसिस को आइडेंटिफाई करने के कि अगर TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो फिर उस पर GST चार्ज करना। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।